फिल्में जितनी दिलचस्प होती हैं उतनी ही दिलचस्प होती है फिल्मों में काम करने वाले स्टार्स की लाइफ। लव अफेयर्स, बनते बिगड़ते रिश्तों की कई कहानियां स्टार्स की। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गुजरे जमाने की सिंगर और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की जिंदगी भी किसी फिल्म की तरह ही है। संजीव कुमार से सुलक्षणा पंडित एक तरफा प्यार करती थी। प्रेम में असफल होने के बाद इस बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ भी खराब होती गई। सुलक्षणा एक लोकप्रिय गायिका थी और उन्होंने 1970 के दशक में कई हिट गानों के लिए आवाज़ दी थी। उन्होंने 1975 में संजीव कुमार के साथ फिल्म उलझन से अभिनय की शुरुआत की। इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का निर्देशन रघुनाथ झलानी ने किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें संजीव कुमार से प्यार हो गया। हालांकि तब संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार करते थे। इधर संजीव कुमार ने दो बार प्रपोज भी किया लेकिन हेमा मालिनी ने उन्हें ठुकरा दिया। हेमा मालिनी ने जब संजीव कुमार के प्यार को अस्वीकार कर दिया तब सुलक्षणा को उम्मीद की किरण नजर आई। उन्हें उम्मीद थी कि संजीव कुमार उनके पास लौट आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सुलक्षणा संजीव कुमार के प्यार में इस कदर पागल थी कि एक्टर के लिए खाना बनाकर फिल्म उलझन के सेट पर लेकर जाती थी। हालांकि संजीव कुमार ने अपना विचार नहीं बदला और वो कभी सुलक्षणा के नहीं हुए और बाद में 47 वर्ष की आयु में 1985 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। संजीव कुमार की मौत ने सुलक्षणा को लगभग चकनाचूर कर दिया और उस समय के कई सितारों के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस गुमनाम हो गई। वो डिप्रेशन में चली गई और फिल्मों से गायब हो गई। अपने करियर में सुलक्षणा ने शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, शशि कपूर और यहाँ तक कि सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।